सिक्किम में एक मान्यता है, जब आप किसी का वेलकम करते हो ना तो एक ट्रेडिशन से करते हो। और जब मैं होम स्टे आई तो उनको वेलकम करने का टाइम नहीं मिला, बट जाते वक्त उन्होंने वेलकम किया कुछ इस तरीके से, आपको टीका लगा के एंड आपको दुपट्टा पहना के छोटा सा। नेम टिस्टा टेंडुम होम स्टे एट साउथ सिक्किम। बेसिकली दिस इज क्वाइट आइसोलेटेड इन लोकेशन, just nearby the road, and you can enjoy and experience all the traditional best food and drinks and stay here, and we will also provide you the best travel also for your all comforts. So basically ye hamara homestay ekdam heritage type ka hai iska structure, aur ye sab sal aur saap ka wo timber se banaya hua hai. Ye ekdam आपके स्टे के लिए एकदम कंफर्ट है, रूम वगैरह भी इसका एकदम पीसफुली यहाँ पे जो लोकेटेड होने के कारण से एकदम कोई सब गेस्ट का सीक्रेसी बनता है, और यहाँ पे लोकल ट्रेडिशनल फूड आपके लिए हम सब करते हैं, घर का ही बनाया हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनिक जो फील्ड में ही उगाया हुआ जो इसका साग सब्जी जो बोलता है ना, दाल वगैरह पल्स वगैरह और राइस वगैरह भी हम यहीं का एकदम सर्व करते हैं गेस्ट लोग को. सो kindly visit us once as your experience to explore the rural area. See, Dhanjal, na? Saakshi Dhanjal. Ye ekdum India ka hamara famous growing hamara vlogger hai. Hi everyone, welcome back to my channel. This side Saakshi Dhanjal. Aaj main itne dino baad gaadi chala rahi hu, mujhe aisa feel ho raha hai, but aisa kuch nahi hai. Maine pura matlab jab main Delhi se hum log aa rahe the to gaadi maine chalai thi, obviously pure raste main mazak kar rahi hu, isne bhi chalai thi. Aaj hum ja rahe hain Assam ki taraf, Assam Guwahati. गुवाहाटी असम का जो है, हम आपको वो पता है ना हमने कहाँ स्टे किया था, अगर मैं पहले पूछना चाहूंगी क्वेश्चन, अगर आप लोगों को पता है मैंने कहाँ स्टे किया था कमेंट करके फटाफट बताओ, और वो जगह कैसे, और डोंग का अभी तक मुझे कमेंट ही नहीं आया कि डोंग क्या होता है, मैं आज भी नहीं बताने वाली डोंग क्या होता है जब तक आप लोग मुझे खुद आगे से आंसर नहीं दोगे. अगर आप लोगों को पता नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ डोंग क्या होता है. तो असम जो है वो गुवाहाटी मतलब सॉरी गुवाहाटी असम की कैपिटल है. सो हम जा रहे हैं गुवाहाटी मैं रुकी हूँ डोसा पॉइंट पे, एंड ओके थैंक यू. इनका सिटिंग अरेंजमेंट सच में बहुत प्यारा है, और हम निकल रहे हैं, हम सुबह का कुछ नाश्ता देख रहे हैं खाने के लिए, हम निकल रहे हैं, आपको पता है शाम के लिए. सो वी आर सेइंग समथिंग टू ईट. So that's the breakfast. और राकेश सिर्फ स्प्राइट पीने वाला है क्योंकि उसको बिल्कुल डोसा नहीं पसंद. डोसा इज ओनली माई फेवरेट, आई लव डोसा. एंड पता है मुझे बनाना के पत्ते में डोसा, आई रियली वांट टू ट्राई बनाना के पत्ते में डोसा. लेट्स आई जस्ट हैव इट और बताऊंगी कैसा है. पहले मैं खा लेती हूँ, आई एम रियली हंग्री. गाइस ये यहाँ का सबसे ऑसम कैफे है, और इसमें सेटिंग अरेंजमेंट बाहर भी ऊपर भी, हम ऊपर बैठेंगे. एंड ऊपर जाने का एरिया कहाँ से है? सो गाइस जब आप ऊपर ऑसिस कैफे बैठोगे आपको तीस्ता रिवर का व्यू मिलेगा ऊपर की तरफ से, ऊपर जहाँ पे बैठे वो भी तीस्ता. सो मैं चढ़ने जा रही हूँ कोरोनेशन ब्रिज पर, और मैं वेस्ट बंगाल से सिक्किम के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि आपको वेस्ट बंगाल आना ही पड़ेगा अगर आपको सिक्किम के लिए जाना है तो. असम के लिए, ओ माय गॉड मुझे क्या हो गया, सिक्किम से हाँ वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल से असम. मोहतर माया की ड्रेसेस बहुत प्यारी लग रही है. राकेश जगह सुंदर है ना, प्यारी है. तुम पहले मुझे ये बताओ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस. मैं थोड़ा शीशा ऊपर करो, पहले हवा बहुत तेज है.
हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? ये हमारा तीसरा होम स्टे जो था, कैसा था तुम्हारा? अच्छा था खाना अच्छा था ना? या आई टोटली एग्री विद इट. तुम्हें पता है तीसरा के आगे एक वर्ड था, टेंडोंग का मतलब क्या होता है? हिल्स. अच्छा, कैसे हिल्स? जहां से ब्यूटी देख सके. ओके, दैट्स एक्चुअली एक्सप्लोर द ब्यूटी नियर द हिल्स. हिल्स जो टॉप पे हो, ठीक है, जहाँ से मतलब सारी ब्यूटी नीचे दिखे कि भाई हाँ भाई, जैसे शहर दिखे छोटे छोटे, ऐसी ब्यूटी उसको बोलते हैं टेंडोंग. सो गाइस, मैं अभी एलनबरी कोई जगह क्रॉस कर रही हूँ और लुक एट दिस प्लेस, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स मेसमराइजिंग. ट्रस्ट मी, ट्रैवलिंग इज एक्चुअली यू नो फन. अगर आप ट्रैवलिंग सीरियसली स्टार्ट भी करना चाहते हो ना, इट्स वे अवेज एंड ईजी, बट बजट ट्रिप कर लेना, हमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है. सो यू नो, यहाँ पर ये सारा आई गेस स्टील फॉर्म से है, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है ना, तो ट्रैवलिंग कोई भी कर सकता है. ऐसा नहीं है कि आप लोग ट्रैवलिंग नहीं करें. कितने का नारियल पानी? 60 का. तो विद वो मलाई है, विदाउट मलाई? मलाई वाला है, विदाउट मलाई वाला. हल्का मलाई है. अच्छा, तो इसमें पानी है? अच्छा अच्छा, ठीक है. देखो अबे आई नहीं रहा, तुम ही पी लो. ये क्या लव बाइट की तरह तुम उसे. रास्ते बहुत सुंदर है, हवा भी अच्छी है. अभी एसी बंद हुआ कुछ देर पहले ही. पर अभी भी हमें पहुंचने में 6-6.5 घंटे हैं. गुवाहाटी एटलीस्ट 500 किलोमीटर है आपका, अगर आप सिक्किम से निकल रहे हो तो. पर रास्तों में मतलब वेस्ट बंगाल के रास्ते अच्छे हैं. ये देखो कितना सुंदर है. हम फाइनली रुके हैं कहीं, क्योंकि हमें कुछ मिला है खाने के लिए, एंड दैट इज एक्चुअली मोमोस, बिकॉज वी वर रियली हंग्री. अभी बहुत गर्म है, तुम तो खा लेते हो, मैं नहीं खा पाती, तो अभी थोड़ा सा मैं रुक के खाऊंगी. प्लस अभी बताया हमारा रास्ता बचा हुआ है 5 घंटे का, सो लेट्स होप कि 5 घंटे में ये सफर पूरा हो जाए. एंड ऑलरेडी इसके टांग में बहुत पेन. फाइनली एंट्रिंग इन आसाम, और ये हो रहे हैं 6:00 और मैं आसाम एंटर कर रही हूँ. पुलिस वाला चेक करेगा हमारी पूरी गाड़ी को. मैं रुके हुए माहेश्वरी ढाबा, सो यू कैन ट्राई देयर फूड. एक्चुअली हम लोगों को अभी 1 घंटा था, तो वी टुक अ नैप, मतलब ब्रेक फॉर 5-10 मिनट्स, एंड इट्स टाइम टू लीव फॉर फर्दर गुवाहाटी. अभी भी एक मतलब 45-50 मिनट्स दूर है. सो फाइनली वी आर हेयर, दिस लुक ब्यूटीफुल. बस बाहर के तो बिल्डिंग कल ही दिखाऊंगी गाइस, और अभी 12 बज रहे हैं. वी आर प्रीटी लेट एट दिस प्लेस, बट दिस प्लेस लुक अमेजिंग, ट्रस्ट मी. अभी तो आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगी, बट मॉर्निंग आवर्स में बहुत कुछ दिखाऊंगी. इट्स अटैच विद टॉयलेट बाथरूम, एंड लुक एट दिस वन यार, दे आर मेंटेनिंग.